अगर आप TVS क्रेडिट साथी ऐप से किसी चीज़ का फाइनेंस कराए हैं, चाहे वो अपाची गाड़ी का हो या फिर मोबाइल, अगर आप किस्ती में खरीदे हैं TVS क्रेडिट साथी ऐप से, तो उसका EMI आप इसी ऐप से भर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि TVS क्रेडिट साथी ऐप से EMI कैसे भरा जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको TVS क्रेडिट साथी ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इसको यहाँ से ओपन पे क्लिक करें, लॉगिन कर लेंगे। और लॉगिन करने के बाद आपका यहाँ पे डैशबोर्ड आ जाएगा। EMI पे करने के लिए आप ये लोन ID को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। BH30 ये वाला लोन ID है मेरा। आपका कोई दूसरा लोन ID होगा वो उसको आप कॉपी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे भी लोन ID आ जाएगा, यहाँ से अमाउंट आ जाएगा। पेमेंट करने के लिए यहाँ पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से एग्रीमेंट नंबर पूछ रहा है, यानी ये लोन ID यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ से कंफर्म करेंगे और प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको इस पेज में ला करके छोड़ेगा। यहाँ आपका एग्रीमेंट नंबर सामने आ जाएगा। यहाँ कस्टमर का नेम आएगा, जिस नाम से आप गाड़ी फाइनेंस कराए हैं या मोबाइल फाइनेंस कराए थे उसका। यहाँ मोबाइल नंबर का शुरू का 2 डिजिट आएगा और आखिरी का 2 डिजिट आएगा। उसके बाद कितना EMI है वो EMI यहाँ भर देंगे। जैसे कि मेरा है 2550 रुपये, हम यहाँ भर देंगे। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पेमेंट कौन चीज़ से कटाना चाहते हैं वो यहाँ चूज़ कर लेंगे। मोबाइल वॉलेट से कटाना चाहते हैं या डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग वॉलेट से कटाना चाहते हैं। चलिए हम नेट बैंकिंग से कटाएंगे, तो हम इसको सेकंड वाला ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। ये हमें रिडायरेक्ट कर रहा है अपने बैंक में। उसके बाद यहाँ से हम नेट बैंकिंग डिटेल्स इसको चूज़ कर लेंगे और यहाँ आएंगे, यहाँ से अपना बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी बैंक है बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सेलेक्ट कर लिए और पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अपना एक ईमेल ID भर देंगे और पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये हमें रिडायरेक्ट करेगा इंटरनेट बैंकिंग की वेबसाइट पे। उसके बाद यहाँ अपना यूज़र ID डालेंगे, यहाँ पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से अकाउंट को चेक कर लेंगे, ठीक ठाक है। उसके बाद यहाँ से कंफर्म कर देंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP यहाँ फिल करेंगे और कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका पेमेंट यहाँ सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको यहाँ से रिडायरेक्ट करना होगा या फिर खुद से भी रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे और ये हमें यहाँ से रिडायरेक्ट कर रहा है। देखिए यहाँ से पेमेंट सक्सेसफुल मेरा बता रहा है। ये 24 आवर का टाइम लगेगा इसको रिफ्लेक्ट होने में। यहाँ से आपका एग्रीमेंट नंबर आ जाएगा, ट्रांजेक्शन नंबर आ जाएगा, ट्रांजेक्शन डेट, ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेस यहाँ पे हो गया। सो इस तरह से आप अपना EMI घर बैठे ही पे कर सकते हैं, चाहे वो गाड़ी का हो या फिर वो अपने मोबाइल का हो या फिर किसी भी सामान का हो।